आप भोजन बनाते हो अपने परिवार के लिए, आपके परिवार में पुत्र होंगे, आपके पति होंगे, आपके ससुर होंगे, आपके सास होगी, आपकी पुत्री होगी, आपकी कभी कभी आपके अतिथि गण, आपके रिश्तेदार भी आ जाते होंगे, उनके लिए सबके लिए भोजन बनाते हो, बनाते हो रसोई तैयार करते हो। अब कल से रसोई जो तैयार करना, तो केवल एक भाव रखना कि हम भगवान श्री कृष्ण के लिए बना रहे हैं। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में आए हैं, खेल रहे हैं, अनेक रूप हैं उनके। पति के रूप में हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण हैं, ससुर के रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं, सासू जी के रूप में लक्ष्मी जी विराजमान हैं। इनके लिए हमें भोजन तैयार करना है, तो पवित्रता से कोई भी कीर्तन जो तुम्हें पसंद हो, श्री राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, जो भी पसंद हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ऐसी कोई भी कीर्तन जो तुम्हें पसंद हो, भजन करते हुए भोजन तैयार कर देना। नित्य साफ सफाई 100% रहनी चाहिए, जूठन ना जाए। भोजन तैयार करके भक्त थाली लगाओ, तुलसी का पत्र डालो और भगवान का ध्यान करो। कन्हैया जी, सभी रूपों में आप विद्वान हैं, हमारा बना हुआ भोजन आप ग्रहण करें। नेत्र मूंद करके उन्हें समर्पित कर दो, थोड़ा सा जल भी समर्पित कर दो, फिर वही प्रसाद अपने संपूर्ण भोजन में डाल दो, फिर अपने परिवार को खिलाओ। और परिवार को खिलाने के बाद में अपने परिवार की भावना को देखना, उनके विचारों को देखना। ऑटोमेटिक आपके एक महीने में आपके ना आपके परिवार के विचार बदल जाएंगे। आपके यहाँ से संकट तो कभी आएंगे नहीं, दूर से भी देखेंगे नहीं, झांक के भाग जाएंगे।